संसदीय कार्य प्रणाली की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, आहूत होने वाले सदन का मकसद जनहित को लाभ पहुंचाना है, लेकिन देखा जाता है कि संसदीय कार्य प्रणाली का ज्ञान लोगों में नहीं है, जिससे कार्य प्रणाली की व्यवस्था को लोग समझ नहीं पाते हैं। इसी के मद्देनजर झारखंड विधानसभा में पहली बार संसदीय व्यवस्था की जानकारी देने के लिए 2 दिनों की काल्पनिक सत्र आहूत किया गया था, जिसमें झारखंड भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों से चयनित छात्र पक्ष विपक्ष की भूमिका में काल्पनिक सदन की कुर्सी पर बैठे। शनिवार को सदन के विधिवत उद्घाटन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। मौके पर विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र कुमार महतो, सांसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम सहित मंत्री और विधायक मौजूद रहे। काल्पनिक सदन में शून्यकाल, प्रश्नकाल, अल्पसूचित प्रश्न तैयार किए गए थे, जिसमें पक्ष विपक्ष में बैठे युवा सरकारी कार्य प्रणाली में भाग लेते हुए दिखे। सदन में प्रश्नकाल, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल, अल्पसूचित और तारांकिक प्रश्न जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन से समाज और लोकतंत्र मजबूत होता है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने कहा कि पहली बार झारखंड में ऐसा व्यवस्था हुआ है ताकि सांसदीय भाषा और कार्यप्रणाली को युवा समझ सकें, जो देश का भविष्य होते हैं। इधर सदन में भाग लेने आए युवाओं ने कहा कि झारखंड सरकार की एक अनोखी पहल है, उनके जीवन में काम आएगी। सुनिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित चयनित छात्रों ने क्या कहा। संवेदनशील विषय है आज का ये कार्यक्रम। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब की एक बेहतर तरीके से इसकी जानकारी किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे छात्राएं हो, चाहे वो ग्रामीण हो, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी जानकारी होनी होती है। क्योंकि मैं समझता हूं मजबूत समाज, मजबूत राज्य और मजबूत देश वही होता है जिस समाज में राजनीतिक चेतनाएं हो, शैक्षणिक चेतनाएं हो, सामाजिक चेतनाएं हो। हमारा ये देश भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे लोकसभा सदन के द्वारा, विभिन्न राज्यों के विधानसभा के द्वारा देश को, राज्य को दिशा दी जाती है। देश के लिए, राज्यों के लिए देश और राज्य के विभिन्न वर्गों के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए कानूनें बनाई जाती हैं और उस कानून के रास्ते देश और राज्य चलता है। और आप सब लोग देखते हैं कि कई चीजों पर लोगों के विचारें भी अपने अपने होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसीलिए सदन में एक सत्ता पक्ष होता है, एक
विपक्ष की भूमिका में होता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में होने का यह मतलब नहीं कि वो दोनों एक दूसरे का जानी दुश्मन है, बल्कि यह सदन एक ऐसा मंदिर है जहां इस देश का एक विभिन्न समाज वर्गों का प्रतिनिधित्व और एक समान सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है, और दोनों पक्ष मिलकर राज्य और देश की दिशा को तय करते हैं। आज आप लोग यहाँ आए हैं, हमारे नौजवान विधायिका प्रणाली को समझने, और मैं ये समझता हूँ कि आप सब लोग जो भी चीज़ें यहाँ ग्रहण करेंगे अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने सहयोगियों के साथ उसको शेयर भी करेंगे। मेरा नाम क्या है और कौन से जिले से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और यहाँ पे आने के बाद कैसा लग रहा है? जैसे मेरा नाम विकेश कुमार राम है, मैं लातेहार जिले से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और यहाँ आने के बाद सर हमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हमने आज तक जो विधायिका के बारे में पढ़ा था, आज हम आज से कल तक हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा कि वह कैसे कार्य करती है। विधानसभा के सदन में कोई भी बिल कैसे पास किया जाता है, उसका विरोध कैसे किया जाता है और जनता के हित में कैसे कार्य किया जाता है। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है और यहाँ जाने के बाद क्या करेंगे, किस तरह से समाज को करेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद, मैं सभ्यता भूषण गिरिडीह जिला से। पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैं झारखंड सरकार को कि पहली बार राज्य में झारखंड छात्र संसद 2021 का आयोजन कर रही है। ये आयोजन करना हमें बिल्कुल ज़रूरत था क्योंकि हमारे राज्य में इवन पूरे देश में 5 ज्वलंत मुद्दाएँ हम लोगों को दी गई थी। एक जलवायु पे था, पर्यावरण पे, वन पर और लोकतंत्र के विषय पे। हमारा जो टॉपिक था वो जलवायु पे था। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं किसी न किसी रूप में जलवायु को आज काफ़ी खतरा है। जीवाश्म ईंधन के जलने से जलवायु का निरंतर बिल्कुल वो संतुलन बिगड़ता जा रहा है, तो उसके निदान क्या हो सकते हैं, उसके प्रभाव क्या हमारी सोसाइटी में पड़ रही है, उसके लिए मैंने डिबेट दिया था। तो ये 4 स्टेज में हुआ था जिसे मैंने फाइनल क्रैक किया। ये 94 के बीच में मेरा गिरिडीह जिले से सिलेक्शन हुआ। मेरा सिर्फ एक ही मोटो है कि जो हम यहाँ पे सीख कर जाएंगे अपने सोसाइटी के लिए क्या करें। अगर हम सामने कचरा देख रहे हैं, आज भी डंपिंग की सोसाइटी है हमारे क्षेत्र में, कचरे का कोई भी सही तरीके से डंपिंग नहीं किया जा रहा है। भले ही वो पिंक डब्बा और ग्रीन डब्बा दिखाया जा रहा है लेकिन उसका सही तरीके से डंपिंग नहीं किया जा रहा है। खुले में कचरा है जिससे तरह तरह की लगातार बीमारियां पनप रही है। डेंगू का अभी भी प्रॉपर इलाज हमारे राज्य में नहीं है। तो मैं चाहूँगी यहाँ से जाने के बाद उन्हें अवेयरनेस दूंगी कि हम अपने सोसाइटी में कैसे सफाई लाऊं और काफ़ी सारा सजगता प्रदान करूंगी, अवेयरनेस लाऊंगी। आज आप लोगों को विधानसभा सत्र में बैठने का मौका मिला छात्र, इसमें सीएम के द्वारा और विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सम्मानित किया गया, इसको लेकर आप आगे क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो मैंने कभी सोचा नहीं थी कि मैं सम्मानित होऊंगी, इतनी कम उम्र में मैं इस मुकाम पर आऊंगी। ये हमारे लिए वाकई काफ़ी गौरव की बात थी और मैं आगे चलकर अपने जितने छोटे युवा पीढ़ी हैं उन लोगों को सिखाऊंगी, उन लोगों को प्रोत्साहित करूंगी कि आप भी आगे चल करके ऐसे ऐसे कार्य करें, समाज के प्रति लगाव रखें ताकि आप भी भविष्य के एक राष्ट्र निर्माता बनने में अपनी अहम भूमिका निभा सकेंगे। धन्यवाद सर। यहाँ आने से पहले आपने किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए और यहाँ आए तो कैसा फील हो रहा है? सर मेरा नाम दीक्षा पांडे है, मैं गढ़वा जिला से आई हूँ और यहाँ आने से पहले हम लोगों को 5 विषय मिले थे जिसपे निबंध लिखना था और उसका फिर मतलब बहुत स्टेप वाइज होते होते ये क्या बोल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हम लोग का प्रोग्राम था, उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें सफलता प्राप्त होने के बाद हम लोग को यहाँ आने का अवसर प्रदान हुआ। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और यहाँ आने पर मुझे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का मंत्री बनाया गया है। मैं इस चीज़ से खुद को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं आज
विधानसभा में उपस्थित हूँ। मुझे यहाँ मंत्री, विधायक, अध्यक्ष, मुख्यमंत्री सभी को प्रत्यक्ष रूप से देखने का, सभी की बातें सुनने का या फिर सब अपने लोकतंत्र के बारे में समझने का मौका मिला है। मैं सबको प्रत्यक्ष रूप से देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ। मैं खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। बहुत अच्छा के बच्चों, छात्रों को जिस तरह से आप लोगों ने एक नया प्रयोग किया है, कितना कारगर होगा और आम लोगों तक इस व्यवस्था को पहुंचाने के लिए आप लोग भी कितने उत्सुक? देखिए, हम लोग तो इसको महसूस भी किए हैं और हमारे आदरणीय युवा मुख्यमंत्री जी भी इस बात को आपको बोले कि ये समय की तकाचा है कि इस डेमोक्रेटिक व्यवस्था को सब लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। जब तक इस व्यवस्था के बारे में हम नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे इस शासन व्यवस्था के बारे में, तब तक तो ये शासन व्यवस्था हमारे लिए अधूरी रह जाएगी। इसलिए इसमें जो व्यापकता लाने के लिए हम लोगों ने ऐसे चुना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को कि ये लोग चंद दिनों के बाद, एक आध साल के बाद अपना सामाजिक जीवन में प्रवेश करेंगे। अध्यापन समाप्त करने के बाद उन्हीं लोगों में से कई अधिकारी बनेंगे, कोई पदाधिकारी बनेंगे, कोई नेता बनेंगे, कोई व्यवसायी बनेंगे, कोई समाज सुधारक बनेंगे, समाज के विभिन्न जगह में लोग काम करेंगे। तो जब समाज के विभिन्न विषय पर जब काम करेंगे तो उनको भी पार्लियामेंट्री इटिकेट के बारे में उनको भी जानकारी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोगों ने इसका प्रयास किया है छोटा ही रूप में, देखते हैं इसका रिजल्ट आगे कहाँ तक जाता है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह का समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है, इसमें हम निश्चित रूप से समझ रहे हैं कि इस व्यवस्था के बारे में जानने के लिए सारे लोग उत्सुक हैं और बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से ये व्यवस्था का व्यापकता और ज़्यादा होगा। थैंक यू। कैसे तैयारी की आपकी? जी, मैं रांची जिला से आई हूँ और जिस तरह से हमें अलग अलग टॉपिक दिया गया था कि हमें इस चीज़ में मतलब प्रिपेयर होना है, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि हम अपने टॉपिक के अनुरूप तैयार करें। मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि जिस तरह से हमारे जो लोग हैं चीज़ों से परेशान हो रहे हैं, उनको उससे मतलब निकालने के लिए हम युवा प्रतिनिधित्व किस तरह से अपनी भागीदारी दे सकते हैं, मेरा ये था। और मेरे यहाँ आने का कोई मार्किंग नहीं था कि मुझे मार्किंग मिला कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगी। मेरा उद्देश्य यही था कि मैं यहाँ तक पहुँच के लोगों की कैसे हेल्प कर सकती हूँ। जी सर, कैसा लगा आपको? जी सर, ये बहुत खुशी है मुझे, यहाँ के बहुत खुशी हो रही है कि मैं प्रत्यक्ष तरीके से सारी चीज़ों को देख रही हूँ। आज तक सिर्फ पढ़ा था, मैं राजनीति विज्ञान की छात्रा हूँ। और सीएम के द्वारा और विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा आप लोगों को सम्मानित किया गया, तो कैसा फील हो रहा है? जी, ये तो मैं कैसे बताऊं कि ये बहुत खुशी अनुभूति है, क्योंकि मुझे यहाँ आके जो सिर्फ तब तक जब तक मैं यहाँ नहीं आई थी तब तक मुझे ये वाली मतलब खुशी नहीं हो रही थी, पर यहाँ आके मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ कर्तव्य मिला है और उसका मुझे निर्वहन करना है, मुझे मन में ये वाली शक्ति आ गई है। परिचय बता दें। जी, मैं स्मृति राज रांची विश्वविद्यालय रांची से और रांची जिले का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। छत्रा जिला से आई हूँ। आपको पहली बार संसद भवन में, विधानसभा भवन में आने का मौका मिला, कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही गर्व फील हो रहा है कि हम यहाँ तक आ पाए हैं अभी तक। किस तरह की तैयारी थी, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर आने के लिए आपसे? जैसे कि बताया गया है अंदर में कि हम लोगों को पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे और उसी से रिलेटेड हम लोग को स्पीच देने थे, तो वही सब चीज़ था और उसी से रिलेटेड हमारी वन संपदा के बारे में मेरा टॉपिक था, तो मैं उसमें अच्छा करके आई। यहाँ पे सीखने के बाद आप आगे क्या करें, किस तरह से समाज के बताएंगे कि आप क्या क्या सिखाया गया? एक्चुअली मेरा तो एम टीचर बनने का है, तो हम अपने स्टूडेंट्स को इस चीज़ के बारे में जागरूक करेंगे और फिर समाज में रहने के साथ साथ लोगों को भी जागरूक करेंगे कि हमारा विधानसभा कैसे चलता है, कैसे कार्य करता है। अपना परिचय फिर से बता दीजिए। मेरा नाम श्वेता कुमारी है, मैं चतरा जिले से हूँ। चलिए, थैंक यू। झारखंड में पहली बार आज झारखंड विधानसभा के द्वारा आयोजित छात्र संसद का कार्यक्रम का ये पहला दिन है। ये पहली बार इस तरीके का एक प्रयास है सदन की चीज़ों को नौजवानों के जीवन में इसको उतारना, ताकि देश राज्य में एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके, राजनीतिक
विधायिका व्यवस्थाएं स्थापित हो सकें। आज इसमें राज्य के विभिन्न जिलों से, विभिन्न यूनिवर्सिटी से छात्र छात्राएं आज इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और ये मुझे लगता है विधायिका व्यवस्था को जानना आज के वक्त का तकाजा है और इस विषय को उनको बताने के लिए भी जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको आगे आनी चाहिए। आज इस विषय पर माननीय अध्यक्ष जी ने एक बेहतर पहल किया है और विधायिका कार्य को नौजवानों को के बीच में उनके साथ शेयर करने का एक पहल हुआ। धन्यवाद जी। धन्यवाद। मैं अनुशील ओझा और आप देख रहे थे दृष्टि नाव।